आप पार्षद ताहिर हुसैन, आप सबको बताना चाहता हूँ, जो भी खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है। ये गंदी राजनीति के चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है, तब से ही दिल्ली के हालात खराब हैं, जहाँ पे जगह जगह पत्थरबाजी, ये तमाम चीज़ें की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। वैसा ही परसों हमारे यहाँ भी हुआ, जिसको देखते हुए हमने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। एक बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए लगातार मैंने पुलिस से मदद मांगी और कई घंटों के बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँची, सब काबू हुआ। और उस वक्त जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनकी निगरानी में पूरे मकान की, पूरी बिल्डिंग की, पूरे ऑफिस की तलाशी ली गई, उसको अच्छे से चेक किया गया और पुलिस ने ही हमें, मेरे परिवार के साथ हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था। हमसे कह दिया था कि आप यहाँ से अपने किसी सेफ जगह हट जाइए, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग पे दोनों तरफ से कोई भी आदमी इस पे दोबारा से खतरा या बवाल ना हो सके, अपनी जान आप सेफ कीजिए। और मैंने उनसे गुहार लगाई थी कि सर यहाँ से फोर्स ना हटाएं, फोर्स अगर यहाँ से हटी तो मेरे बिल्डिंग का दोबारा से फिर कोई नाजायज फायदा उठा लेगा, जो मैं नहीं चाहता किसी कीमत पे भी। मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ी कोशिश की थी कि दरवाजा न टूटे, दरवाजे को हमने पीछे से, जो मेरे साथ में हमारे लोग थे, पांच सात जो हमारे साथ में हमारे वर्कर रहते हैं, वो सबने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन फिर भी दरवाजा तोड़ दिया गया था। और उसके बाद लगातार पुलिस फोर्स की निगरानी में वो बिल्डिंग, वो जगह रही, पूरी रात रही, कल भी पूरा दिन रहा, लेकिन फिर पता ना ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस फोर्स वहां से हट गई और उसके बाद दोबारा से दंगाइयों ने वही काम किया जिसका मुझे डर था। कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है। आप यकीन जानिए, मैं एक सच्चा अच्छा भारतीय मुसलमान हूँ और मैं हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मेरे बारे में जो भी अफवाह चलाई जा रही है, जो भी गलत फहमी चलाई जा रही है, वो सरासर गलत है। मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं खुद अपने परिवार के साथ अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकला हूं और कहीं अपने जानने वाले के रह रहा हूं। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं। मैं इस तरह की हरकत, इस तरह की घटिया राजनीति कभी ना मैंने करी है और ना मैं कर सकता हूं। जरूरी सूचना, द शूद्र के सभी दर्शकों से अपील है कि आप हमारे नए YouTube चैनल द रिपोर्ट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि द शूद्र को बंद करने के लिए मनुवादी साजिश रच रहे हैं। द रिपोर्ट इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।